देसी पपीता है, लगभग बचपन से ही इसका खेती हमारे यहाँ हो रहा है। बाप दादा के ज़माने से हम लोग पपीता खाते हैं और फिर बीज बना लेते हैं, रखते हैं। ये तीसरी पीढ़ी का प्रजाति है और देखिए कितना फल आ रहा है। और ये देखिए पिछले साल यहाँ से ले करके यहाँ तक फल आया था, फिर इस साल दूसरे साल का पौधा है, देखिए कितना फल आया और फलता ही जा रहा है। तो अपनी खेती, अपनी खाद, अपना बीज, अपना स्वाद के लिए हम सभी किसान भाइयों को उन्नत किस्म का बीज बनाना चाहिए। बीज बनाने का तरीका बता दें, जैसे पहला फल आया तो दो चार पहला फल तोड़ लीजिए, पपीता खा लीजिए और उसके बीज को बना लीजिए, सुखवा करके गोबर कंडे की राख में मिला करके उसको मिट्टी के पात्र में या जार में रख करके फिर जब आपको नर्सरी डालना हो, चाहे मार्च अप्रैल में या जून जुलाई में अगस्त तक, तो साल में दो बार नर्सरी पड़ती है, तो आप अपनी खेती कर सकते हैं और इसमें कोई विशेष बीमारी नहीं। देखिए दोनों की दूरी देख लीजिए, 6-7 फीट के अंतर पर हम लगभग 25-30 पेड़ लगाए थे, तो खाए भी, व्यवहार में लिए दिए और बीज भी बना लिए। अब देखिए इसमें हम जा रहे हैं गेहूँ लगाने। इस खेत में जैविक है, चूल्हा गोबर की खाद पड़ा हुआ था, अब मिट्टी में गुड़ाई कर दिए। अब देखिए पानी सा थोड़ा सा नमी दिला रहे हैं और इसको जो है हम इसमें गेहूँ लगाएंगे। और ये देखिए इसी में आम लगा दिए। हमारे पूर्वज खेती बाड़ी और पशुपालन तीनों चीज़ किसान भाइयों को करना चाहिए, फलदार छायादार भी पेड़ लगाना चाहिए और इसके बाद खेती करना चाहिए। इससे पर्यावरण स्वच्छ होगा, शुद्ध आहार मिलेगा। जैविक खेती वह पद्धति है जो मिट्टी के उर्वरा शक्ति को दीर्घायु बनाए रहेगा निरंतर, और उससे उत्पादन जो खाद्य पदार्थ होगा उसके खाने से प्राण घातक बीमारियों से मनुष्य प्राणी बचेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बलशाली होंगे, दीर्घायु होंगे और पर्यावरण हमारा शुद्ध होगा। अब देखिए हमारे इस प्लाट के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, आसमान में देखिए स्वच्छ वातावरण, और सुबह जो है पंछी बहुत यहाँ आते हैं, तो इसलिए जो है हरियाली बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो हमें हरियाली कायम रखना है। जी धन्यवाद।